Good evening, friends. Welcome to our second episode on entrepreneurship and cluster development. आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस सेशन में. हमने कल वादा किया था कि हम इसी समय इसी फीड पे दोबारा मिलेंगे. तो उद्योग और उसमें एमएसएमई का जो क्लस्टर है, इसके बारे में किस तरह से विकास हो रहा है और क्या इसके बेसिक्स हैं, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था. सो लेट्स बिगिन विथ अ क्विक रिकैप. कल हमने जो भी डिस्कस किया था उसको एक क्विकली रिकैप करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन जो आज का है उस पर मूव करेंगे. आज के हम सेशन में जो है अलग अलग स्टेजेस में देखेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट को. क्लस्टर डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये क्लस्टर एक स्टेज से अगले स्टेज पे जाता है और ये तैयार होता है एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए, एक उद्योग को चलाने के लिए. सो टुडे वी विल लुक एट द स्टेजेस ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट आफ्टर विच दे अटेन अ स्टेज वेयर दे कैन मैनेज द एंटरप्राइज क्वाइट प्रॉपरली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन से. एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेफिनेशन है उसका यूजुअल डेफिनेशन यही है कि प्रॉफिट्स के बारे में चर्चा होती है, रिस्क के बारे में चर्चा होती है, सिर्फ और सिर्फ एक पैसे का पहलू लिया जाता है, पैसे का नजरिया होता है. लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बदले, अकाउंटेंट सिस्टम बदले, वैसे वैसे ये नजरिया भी बदला एंड देन वी कैन लुक एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, थ्रू सोशल पर्सपेक्टिव, थ्रू एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. तो जिस भी नजरिए के ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं उस नजरिए से भी हम उद्योग को देख सकते हैं. हम हो सकता है ज्यादा सामाजिक काम कर रहे हो या पर्यावरण के लिए काम कर रहे हो. तो हम उद्योग में नजरिया जो है, मेरा मूल मकसद है पैसे को स्केल अप नहीं करना बल्कि सामाजिक बदलाव को देखना, प्राकृतिक विकास के ऊपर काम करना. ठीक है, आगे हमने थोड़ा समझा कि अलग अलग तरह के उद्योग क्या क्या होते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इफ वी लुक थ्रू द लेंस ऑफ ओनरशिप. अगर हम ओनरशिप के लेंस से देखें तो किस किस तरह के एंटरप्राइज होते हैं. तो एक अगर अकेला इंसान चला रहा है देन ही वुड बी कॉल्ड एज प्रोप्राइटरशिप, देन ही मैनेजेस अ प्रोप्राइटरशिप फर्म. वही अगर कुछ लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे लीगल एंटिटीज में भी काम कर सकते हैं. और लाइक इन केस ऑफ एमएसएमई दे कैन आल्सो फॉर्म कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव्स जैसे लीगल एंटिटीज की भी फॉर्मेशन की जा सकती है अगर हम एक से ज्यादा लोग अगर साथ आके काम करते हैं तो उस केसेस में. और कोऑपरेटिव एक इफेक्टिव मॉडल है रूरल बिजनेसेस को डेवलप करने का. वो किस तरह से हमने कल एग्जांपल से भी समझा था और एक इस पर्टिकुलर रिकैप में हम आगे भी करेंगे. फिर हमने समझा दैट व्हाई डू वी नीड ग्रुप ओन्ड बिजनेसेस. हमको रूरल पॉकेट्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुप ओन्ड बिजनेसेस की जरूरत क्यों है. तो उसको हमने देखा कि बिजनेस को बढ़ाने या बिजनेस के अंदर में बदलाव करने के लिए एक रिस्क लेना होता है और ये रिस्क अगर सभी में डिवाइड हो सके देन वी कैन मैनेज द बिजनेस मच मोर इफेक्टिवली. हम अपने बिजनेस को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं. चलिए फिर हमने कोशिश की ग्रुप को समझने की और आम तौर पर जो जीविका के स्कीम्स हैं उसको समझने की. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजुअल स्कीम्स ऑफ लाइवलीहुड एंड
what is the use of group and how do we understand what is group in case of livelihood. लाइवलीहुड के बारे में समझा कि ये सिर्फ जीविका ये नहीं है कि कमाने का जरिया क्या है. जब हम इन पर प्रश्नों के साथ ये सोचते हैं कि ये कमाने का जरिया क्यों है, आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी कि इस जीविका का चुनाव हुआ, तो इन सब क्यों कैसे सवालों को अगर हम जोड़ दें आमदनी करने के जरिए के साथ, तब हम जीविका की बात करते हैं, तब हम जीविका की बात करते हैं. फिर हमने समझा कि ग्रुप किस किस तरह का होता है. आमतौर पर लाइवलीहुड प्रोग्राम्स में एक सबसे छोटा ग्रुप होता है और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं और फिर मिलके एक गांव के अंदर फेडरेशन बनाते हैं. ऐसे ग्रुप्स अलग अलग गांव के अगर जुड़ जाए एक दूसरे के गांव के साथ, तो वो एक सबसे बड़ा ग्रुप बनाते हैं जिसको कहते हैं क्लस्टर. अब यहां पे एमएसएमई में खास क्या बात है क्लस्टर में. सो हाउ इज क्लस्टर प्रोग्राम ऑफ एमएसएमई डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल लाइवलीहुड स्कीम्स. पहला चीज, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है. गांव अलग अलग हो सकता है पर काम एक तरह का होता है. दूसरी बात, ये सारे गांव जो है 5 किलोमीटर रेडियस के दायरे में बसे हुए हैं. सो द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ एमएसएमई स्पेसिफिक क्लस्टर, वी कैन हैव मल्टीपल ग्रुप्स फ्रॉम मल्टीपल विलेजेस but all the groups work in the same direction or in the same sector or in the same business or in the same industry, and all these villages which are coming together to form the cluster, they will be located in 5 kilometer radius. Fir humne samjha operational view jo cluster ka hoga, जहां पे एक सेंटर पॉइंट होगा और अलग अलग जो गांव है उन सब गांव में अलग अलग ग्रुप्स होंगे जो कि सेम तरह का काम कर रहे हैं. ये जो सेंट्रल यूनिट है ये इनको गाइड करेगा. अब किस तरह से गाइड करता है और किस तरह से ये सेंट्रल यूनिट जो है ये मेजर ऑपरेशंस और डिसीजंस करता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे. So in today's session, we will begin with understanding how major decisions and major operations emerge from this central entity, इस central entity को building के sense में या technically इसको MSME scheme के अंदर में hard intervention के माध्यम से किया जाता है. इसमें बहुत सारी ऐसी भी activities हैं जो सॉफ्ट इंटरवेंशन से रिलेटेड है, यानी ह्यूमन टू ह्यूमन जो भी इंटरवेंशन होंगे जैसे मीटिंग्स, तो ये सारे इंटरवेंशन सॉफ्ट इंटरवेंशन के आएंगे. लेकिन ये फैसिलिटेट कहाँ हो रहा है? ये फैसिलिटेट हो रहा है सेंट्रल यूनिट में, सेंट्रल बिल्डिंग में. और इसलिए जो सेंट्रल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, जो मेजर यूनिट होगा प्रोडक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉमन फैसिलिटी सेंटर विच इज एक्सेसिबल टू ऑल. तो जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर होता है वो हर गांव के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और मेजर यहां डिसीजंस, मेजर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं. माइनर डिसीजंस गांव में लिए जाते हैं, माइनर ऑपरेशंस गांव में लिए जाते हैं. और ये क्लस्टर को अब हम थोड़ा और कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है, ताकि और ये पर्सपेक्टिव क्लियर हो. ये एक बार में समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल दैट आर रेलेवेंट
on how businesses operate and how these differences of major decisions, major operations, minor decisions, minor operations come into play. तो सपोज एक सेंट्रल यूनिट है, ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं हार्ड इंटरवेंशन एमएसएमई के टेक्निकल स्कीम ऑफ थिंग्स में। और इसके अंदर क्या होता है, एक सोर्स है ये डायरेक्शन और गाइडेंस के लिए फॉर द होल क्लस्टर। वो किस तरह से है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आप एक्टिविटीज की बात करें कि मेजर एक्टिविटीज जो यहां कराई जाती है, ट्रेनिंग्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मास प्रोडक्शन। सो द वंस विच आर हाइलाइटेड इन ब्लू, दे आर मेजर एक्टिविटीज। तो ट्रेनिंग्स कराना है, क्लस्टर के सारे लोग जो अलग अलग से गांव से आते हैं उनको ट्रेन करना है। एग्जाम्पल अमूल है, अमूल को ट्रेनिंग देना है एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेनिंग अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो ये टाइम और फाइनेंस एक्सपेंसिव चीज है। वही अगर सेंट्रल यूनिट में की जाए तो कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव एक चीज है। इसलिए ये मेजर एक्टिविटी इस सेंट्रल यूनिट में कराई जाती है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के भाषा में, टेक्निकल टर्म्स में, एमएसएमई के टर्म्स में कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहते हैं। उसी तरह से न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है अमूल को, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी एक्टिविटीज यही होंगी। प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करना है तो इसकी भी एक्टिविटीज यहां होंगी। और बिजनेस मेजर डिसीजंस ये ग्रीन से हाइलाइटेड है, जैसे बिजनेस किस तरह से इवॉल्व करेगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। तो इन सब जैसे बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस स्ट्रेटजी डिसीजंस ये भी इस जगह से करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेशंस या अगर हम कहें मेजर डिसीजंस, वो किस तरह से सोर्स ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस फॉर द क्लस्टर है। ठीक है, इसको क्लियरली समझते हैं कि अब माइनर डिसीजंस जो हैं या ग्रुप के तरफ से माइनर ऑपरेशंस क्या होंगे, और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये मेजर डिसीजंस के करस्पॉन्डिंग है। समझिएगा कैसे करस्पॉन्डिंग है। सपोज डिसीजन लिया गया दैट वी नीड टू कंडक्ट ट्रेनिंग्स ऑन एनिमल हस्बेंड्री सेंट्रल यूनिट में। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग करने वाले हैं हम अमूल के सेंट्रल यूनिट में, इसके बारे में अवेयरनेस मीटिंग्स करनी होगी जो कि लोकली बेस्ड लोग कर सकते हैं फॉर टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिसाइड इन द सेम विलेज, वो उसी गांव में रहते हैं, एंड सेकेंडली पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स जो हमारे सहयोग में आ रहे हैं वो उन एक्टिव मेंबर्स के साथ ज्यादा रिलेट करेंगे, ना कि एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्स के साथ। इसलिए जो गांव के लोग हैं वो अगर गांव में बताएं तो उसको बिलीव किया जाएगा, ट्रस्ट किया जाएगा। और ये चीजें ट्रेनिंग कराने के लिए अवेयरनेस मीटिंग पहले करवाना होगा, प्रमोट करना होगा कि ट्रेनिंग होने वाला है, इस टॉपिक पे ट्रेनिंग होने वाला है, कि ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है। इसी तरह से अगर हम देखें एक एग्जांपल मेजर डिसीजंस के ऊपर में, सो सपोज एक नया रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है। रेजोल्यूशन मतलब एक आपने आह्वान किया है
इस आह्वान के साथ मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा और उस बिजनेस को बढ़ाऊंगा। सो यू हैव डिसाइडेड ऑन अ रेजोल्यूशन ऑन हाउ यू आर गोइंग टू वर्क टूगेदर एज अ ग्रुप एंड हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो फर्दर। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी का पार्ट है। सपोज इस रेजोल्यूशन के अंदर मैं कुछ अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए वोटिंग प्रोसीजर होगा, जिस तरह से पार्लियामेंट में होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे करस्पॉन्डिंग है। डिसीजन तो यहां लिया गया, लेकिन उसका एक छोटा सा एक्टिविटी का पार्ट है जो कि स्मॉलर ग्रुप्स करेंगे, जो कि स्मॉलर ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऑपरेशनल व्यू को कोशिश की गई है फिर से समझने की। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स कम टू द टॉपिक विच इज द मोस्ट स्पेशल इन टूडेज केस। आज के हमारे इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो ग्रुप के साथ करने में हमें ध्यान रखना है और सबसे इंटरेस्टिंग है उसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस बिफोर द ग्रुप स्टार्ट्स एक्टिंग इन अ फुल एफिशिएंट मैनर, और यू कैन से द ग्रुप रीचेस द ऑपरेशनल स्टेज वेयर दे कैन मैनेज द एंटरप्राइज बाय देमसेल्व्स एंड अकॉर्डिंगली ग्रो इट फर्दर। तो उससे पहले बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो ये स्टेजेस मेजरली तीन है। पहला स्टेज है ग्रुप मोबिलाइजेशन, देन द सेकंड स्टेज इज ग्रुप्स क्रिटिकल लर्निंग फेज, और थर्ड है स्टेज ग्रुप वर्किंग एज अ टीम। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है। तो इससे पहले ये अलग अलग स्टेजेस में क्या बिहेवियर होगा, या जब आप इस क्लस्टर फॉर्मेशन में काम करेंगे तो आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, और इस आधार पे आप कह पाएंगे दैट करेंटली वी आर ऑन फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज और वी हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ ग्रुप मोबिलाइजेशन। जिस समय ग्रुप मोबिलाइजेशन का स्टेज होगा, ये ऐसा स्टेज होगा जब आप आइडिया प्रमोट कर रहे होंगे, जब आप समझा रहे होंगे कि क्लस्टर होता क्या है, जीविका होता क्या है, जीविका के ऊपर अलग अलग चीजों का प्रभाव कैसे पड़ता है, एमएसएमई का स्कीम क्या है और एमएसएमई के अंदर क्लस्टर किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से पूरे कम्युनिटी को फायदा दे सकता है, पूरे समुदाय को फायदा दे सकता है। तो ये स्टेज होता है ग्रुप मोबिलाइजेशन, वेयर यू वुड बी कंडक्टिंग एक्टिविटीज लाइक प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ लाइवलीहुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमएसएमई, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर स्टेज यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर स्टेक होल्डर्स। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तरफ से आप कुछ चीजें एक्सपीरियंस करेंगे इस स्टेज में जब आप एक्टिविटीज करेंगे। जैसा पहला चीज है अवेयरनेस अबाउट एमएसएमई एंड इट्स स्कीम। आपको धीरे धीरे ये समझना होगा कि मैं जो अवेयरनेस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, क्या ये बात मेरे जो साथ जुड़े हुए लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही, और नहीं आ रही है तो आप वो मीटिंग्स रेपिटेटिवली करेंगे। ठीक है, सो इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, यू विल हैव टू कंडक्ट मीटिंग्स, यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फीडबैक मे बी प्रोवाइडेड ओरली और थ्रू इमोशंस और थ्रू देयर एक्सप्रेशन। वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, मौखिक तौर पे या अपने
इमोशन से, एक्सप्रेशन से इसको भी समझने की जरूरत होगी वहां, और ये एक्सपीरियंस करना होगा, और अकॉर्डिंगली फिर आपको अवेयरनेस के तरीके को बदलना होगा. सपोज यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एमएसएमई स्कीम, यू आर वर्किंग इन अ विलेज, आप एक गांव में गए हैं इस स्कीम के अवेयरनेस को समझाने के लिए, और आप देख रहे हैं कि मीटिंग्स जो ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो उतनी इफेक्टिवली नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि पहला चीज तो आप भी अननोन इंसान है उस गांव में, तो बहुत लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं. आपके साथ जुड़े हुए कुछ लोग होंगे जो कि आपको ये ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रहे हो, और वो इफेक्टिवली कितनों तक पहुंचा रहे हैं ये आपने के कंट्रोल में स्टेज पे ये बातें नहीं है. तो इस स्टेज में क्या होगा कि मीटिंग्स इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं हो रही, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ बिल्डिंग रैपो विद द कम्युनिटी. आपको रैपो बिल्ड करना होगा अपने कम्युनिटी के साथ. उसके बाद जब रैपो बिल्डअप हो गया तो धीरे धीरे आपको सोशल ओकेजन में भी पार्टिसिपेट करना होगा, सो दैट ग्रेजुअली यू बिहेव लाइक पार्ट ऑफ देयर फैमिली. तो जिस तरह से वहां के लोग करते हैं उस तरह से आपको भी करना होगा. आपको अपना पैर उनके जूते में डालना होगा कुछ दिन. उसके बाद धीरे धीरे आपको सेशंस करवाना होगा, फीडबैक लेना होगा, समझना होगा कि उनको वो बात समझ आ रही है नहीं आ रही है. When you start experiencing getting response from that side, it can be in form of questions or ideas. जब वो ideas देने लगे उस स्कीम के बारे में या questions करने लगे, इसका मतलब वो सुन रहा है, वो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक स्टेज आएगा. दूसरा है कि उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि इस स्कीम में क्लस्टर की तरफ काम करना है, ग्रुप बेस्ड एंटरप्राइज की तरह काम करना है. सो व्हाट इज अ ग्रुप एंड हाउ डज अ ग्रुप वर्क, मतलब वो साथ में तो आ जाएंगे, धीरे धीरे फिर बाकी गांव के भी लोग आएंगे, पर उस स्टेज में ऐसा होगा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक दूसरे के साथ उनको रैपो बनाने में, एक दूसरे को पहचानने में, समझने में, दोस्ती करने में टाइम लगेगा. तो अगर इस स्टेज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन वेयर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वन विलेज आर नॉट इंटरेक्टिंग एक्टिवली विथ पीपल फ्रॉम अदर विलेज, देन यू कैन बिलीव दैट यू आर एट स्टेज वन. आप ग्रुप मोबिलाइजेशन के स्टेज पे हैं अभी. धीरे धीरे आपके ग्रुप मोबिलाइजेशन के अलग अलग एक्टिविटी, मीटिंग्स, ठीक है, फिर आपका सोशल नेटवर्क रैपो बिल्डिंग से क्या होगा कि आप धीरे धीरे बढ़ेंगे. ऐसे स्टेज में जब उनको स्कीम समझ में आ जाएगा, ग्रुप कैसे काम करेगा वो समझ में आ जाएगा, और इसके ऊपर चर्चा स्टार्ट होनी शुरू होगी. व्हेन यू रीच दिस स्टेज, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बिजनेस. ये आइडिया ऑफ बिजनेस आपको इंट्रोड्यूस करना होगा ऐसे तरीके से जहां पे वो आसानी से बिजनेस को समझ सके. ध्यान रहे ये शहर के लोग नहीं है, ये शहर के लोग नहीं है जिनके सामने आप हो सकता है कि एक बढ़िया प्रेजेंटेशन देके समझा दें चीजों को, एंड दे कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स ऑन अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है. तो आपको ये जरूरत है कि आप वहां जाएं, एक्टिविटीज कराएं, अलग अलग एक्टिविटीज जहां कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे. जैसे एक मेथड हो सकता है या एक टूल यूज किया जाता है पीआरए. पीआरए मतलब पार्टिसिपेटरी रूरल एक एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज में एक एग्जांपल होता है जैसे मार्केट मैपिंग. सपोज आप एक गांव से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस गांव को गांव के किसी मैदान में रंगोली बनवाएंगे एक मैप की तरह. ये मैप में जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सही होना चाहिए या उस तरह का, ये कोई मतलब ज्योग्राफिकल मैप नहीं है,
ये एक मैप है जो कि उनको समझने में कोशिश मदद करेगा कि रिसोर्स क्या है और मार्केट क्या है। तो यहाँ पे इस स्टेज में आपको क्या करना है कि अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कम्युनिटी एंगेज कर सकती है और समझ सकती है कि बिजनेस करने के लिए रिसोर्स क्या क्या है, किस किस तरह का मार्केट है, इस तरह के एक्टिविटीज को आप इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट द ग्रुप स्टार्ट्स टू रियलाइज बिजनेस। इसके बाद स्टेज आएगा जब आप उस बिजनेस के बारीकी में घुसना स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट को किस फॉर्म में बेचेंगे, कहाँ कहाँ मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू पार्टिसिपेटिंग विथ ग्रुप टू मेक सर्टेन डिसीजंस, दैट्स द स्टेज व्हेन द ग्रुप स्टार्ट्स टू डिस्कस। व्हेन दिस डिस्कशन हैपेंस इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग पीरियड, ये डिस्कशन एक दिन में नहीं होंगे, तो ये कंटिन्यूड एफर्ट होगा। इस कंटिन्यूड एफर्ट के दौरान आपको मल्टीपल मीटिंग्स करनी होगी, समझाना होगा, फिर आपके ग्रुप में ये भी टेंडेंसी डेवलप होगी दैट व्हेन दे विल स्टार्ट प्लानिंग देयर बिजनेस माइन्यूटली फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, देयर वुड बी फ्यू फाउंडिंग मेंबर्स हु माइट नॉट एग्री टू दैट कंसेप्ट एंड माइट डिसाइड टू लीव दैट ग्रुप। तो जब ये स्टेज आएगा कि आप बारीकियों में घुसेंगे और छोटा छोटा डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, तो जो पुराने भी मेंबर्स आपके साथ दे रहे थे, जो पुराने भी मेंबर्स आपके साथ दे रहे थे, वो धीरे धीरे करके ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उससे संबंध रखें और कुछ लोग इस आइडिया से अलग कर लें। इसके बाद क्या होगा, जब ये स्टेज अटेन हो जाएगा तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशंस होंगे कि कौन क्या करेगा, किस तरह से करेगा, कब करेगा। वो लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करने लगेंगे खुद के कैपेबिलिटीज को कि वो क्या कर सकते हैं, सो दे विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स लाइक व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी। इसके बाद कैपेबिलिटी समझ जाने के बाद वो एक दूसरे में जिम्मेवारी अलग अलग चीजों का लेंगे। सपोज जैसे एक बोल रहा है कि मुझे अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग लगती है, मैं शायद कर पाऊंगा, आप उसको अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, वो अकाउंटिंग कुछ दिन कर रहा है, उसके बाद वो फील करने लगता है कि सिर्फ मैं ही करता हूं, कोई और नहीं करता है। तो जब ऐसा सिनारियो आएगा तो क्या होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब हो सकता है जो पहले से कर रहा था अकाउंटिंग का काम, वो अकाउंटिंग का काम छोड़ देगा और अकाउंटिंग का काम छोड़ के फिर आप खोजेंगे कि कौन से ऐसे नए मेंबर्स हैं जो कि फिर से उस पोजीशन को फुलफिल कर सके। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग स्टेज वेयर इन द ग्रुप यू विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, लॉट ऑफ टेंडेंसी टू लर्न टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, अ लॉट ऑफ टेंडेंसी टू चूज थिंग्स एंड टू लीव द ग्रुप इफ दे आर नॉट रेडी टू चूज अ पर्टिकुलर थिंग। और बार बार ऐसे ऐसे होते होते बहुत बार ऑर्गेनाइज होगा ग्रुप, फिर से टूटेगा, फिर से ऑर्गेनाइज होगा, फिर एक फाइनल ग्रुप तैयार होगा जो अच्छे से अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को ना कि सिर्फ डिवाइड कर लेगा बल्कि समझ भी जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेज की शुरुआत होगी व्हेन दे वुड नो द गोल ऑफ बिजनेस एंड दे विल हैव अ कॉमन पर्पस। वो समझ जाएंगे कि बिजनेस का कॉमन पर्पस क्या है, इसलिए वो अकॉर्डिंगली फिर एक कॉमन पर्पस की तरफ काम करने लगेंगे। हर किसी की अलग अलग जिम्मेवारी होगी और उस हिसाब से वो अपना अपना काम करके एक फाइनल गोल की तरफ बढ़ेंगे। जब ये स्टेज आ जाएगा देन
द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो गोइंग टू विटनेस सिस्टमैटिक इवोल्यूशन. जैसे अकाउंटिंग का एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो जिस समय ग्रुप बन रहा होगा उस समय शायद वो समझने के लिए, शायद वो बिजनेस को समझने के लिए खाता में लिख के शुरुआत किए हों, कॉपी में लिख के शुरुआत किए हों. ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा कि वो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे. हर कोई बिजनेस को वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, दे विल फंक्शन एफिशियंटली, दे विल विटनेस अ प्रोग्रेस इन बिजनेस, बिजनेस आगे बढ़ेगा. जब ये स्टेज आएगा तो एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि बिजनेस स्केल अप कर गया हो, बिजनेस माइट हैव स्केल्ड अप. सो इन दैट केस खाता का से काम नहीं चलेगा, खाता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कस्टमर पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करना है. देन यू नीड टू मूव टूवर्ड्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. ठीक है, आप हो सकता है उस चीज को टैली करें. तो एक सिस्टमैटिक एवोल्यूशन का भी स्टेज होगा जब ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि अभी के स्टेज में बिजनेस में क्या नए बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. सो आई होप व्हेन यू आर वर्किंग इन ग्रुप यू वुड बी एबल टू लुक एट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, तो ये बिहेवियर्स को तो ध्यान रखना है अलग अलग स्टेज में, और तब समझना है कि मेरा क्लस्टर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अलग अलग फेज में किस तरह से हो रहा है. सो डोंट रीच द कंक्लूजन दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट यू हैव क्रिएटेड अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल्स बिलोंगिंग फ्रॉम 4 विलेजेस यू हैव क्रिएटेड अ क्लस्टर. आप ये मत सोचिएगा कि आपने ग्रुप बना दिया 200 लोगों का 4 अलग गांव से, और ये जो ग्रुप है ये क्लस्टर बन गया. नहीं, क्लस्टर बनने से पहले उसको बहुत सारी चीजें समझनी है, खुद को चेंज करना है, उसके बाद ग्रेजुअली वो एक ग्रुप बनेगा. तो ये अलग अलग स्टेजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे और इस तरह के अलग अलग बिहेवियर्स आपको ग्रुप के तरफ से मिलेंगे. तो so I request you all to just understand this, go through this. I'm not moving to the next slide. I'll take a minute before I do so. मैं अगले स्लाइड पे नहीं जा रहा हूं, आप अपना टाइम लीजिए और अकॉर्डिंगली इस चीज को समझिए कि अलग अलग स्टेजेस में क्या बिहेवियर होगा, क्या क्या चीजें होंगी, और उन बिहेवियर के हिसाब से आप फिर डिसाइड कीजिए कि ग्रुप किस स्टेज पर है. सो दैट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द फील्ड यू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एंड यू स्टार्ट हैविंग योर ओन फीडबैक. आप मॉनिटर भी करने लगिएगा कि मेरा ग्रुप किस स्टेज पे है, क्या क्या तरीका से हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ एक और चीज जो आप बिहेवियरली वहां एक्सपीरियंस करेंगे एंड द वे यू कैन यूटिलाइज दैट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट ग्रुप मीटिंग्स के स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि एक्सटेंसिव मीटिंग्स, डिस्कशंस, ये सब तो होगा ही, साथ में नए नए मतभेद होंगे, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज अच्छी भी होगी कि आपको ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन हो जाएगा आउट ऑफ दैट कम्युनिटी. यू कैन एक्सपीरियंस हु आर एक्टिव वॉलंटियर्स, हु आर डोरमेंट सपोर्टर्स. डोरमेंट सपोर्टर्स मतलब वो एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन वो चीज को समझ रहे हैं, जब काम करना होता है तो वो काम करते हैं. और इस हिसाब से वो
तय करेंगे ग्रेजुअली कि वो एक्टिव स्टेट में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। सो दीज आर टू सेट्स ऑफ पीपल आर पॉजिटिव पीपल आउट ऑफ दैट ग्रुप और कम्युनिटी। और इनको यूज करना है। सो देयर विल बी ऑल्सो अ सेट ऑफ पीपल हु आर नॉट योर सपोर्टर्स। इस स्टेज में ऐसे भी होगा कि कई मीटिंग्स में जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं एमएसएमई स्कीम के बारे में, ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कि आपके आइडिया से नहीं समझेंगे, या ग्रेजुअली जिस समय ग्रुप डेवलप हो रहा है तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ना तो सपोर्ट में है ना तो अगेंस्ट है। तो इन लोगों के ऊपर आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। जो सपोर्ट नहीं करते हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, पर जो ऐसे लोग हैं न्यूट्रल, जो कि ना सपोर्ट में है ना अगेंस्ट में है, ऐसे लोगों को एक्टिवली जो वॉलेंटियर्स हैं वो इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली कर सकते हैं। सो द गुड थिंग अबाउट ग्रुप मोबिलाइजेशन इज अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंसिव फील्ड लेवल एक्टिविटीज यू एक्सपीरियंस समथिंग रियली गुड विच इज ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी इनटू पीपल हु आर एक्टिव वॉलेंटियर्स, पीपल हु आर डॉर्मेंट सपोर्टर्स, द टू पॉजिटिव ग्रुप्स विच कैन इन्फ्लुएंस न्यूट्रल पीपल हु आर नीदर फॉर द स्कीम नॉर अगेंस्ट इट, एंड वी कैन इग्नोर द नॉन सपोर्टर्स। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज आई कैन सी अ क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम सभ्यसाची। मैं एक क्वेश्चन देख रहा हूँ सभ्यसाची ने रेज किया है कि वॉट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन रीचिंग अ ग्रुप टू अ ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कितना समय में एक ग्रुप ऑपरेशनल स्टेज में रीच कर सकता है। ये अगेन डिपेंड करता है कि हम ग्रुप जो है वो कहाँ पे एंगेज कर रहे हैं, किसके साथ एंगेज कर रहे हैं। आप जितना गांव इंटीरियर गांव में जाएंगे वो उतना लंबा प्रोसेस होगा, पर ऑन एन एवरेज आपको ग्रुप मोबिलाइजेशन के स्टेज में 3 महीने आप मान के चलिए, इसके बाद ग्रुप को साथ में आने के लिए भी अप्रोक्सीमेट 3 महीने से लेके 12 महीना, मतलब 3 to 12 months इनको सेकेंड स्टेज में आने में लगता है। और जो फाइनल स्टेज होता है, जो फाइनल स्टेज होता है ग्रुप जहां टीम के तरह काम करने लगता है, वहां पे कम से कम 13 महीना से आप जोड़ लें कि 1 साल और लग सकता है, 2 साल और लग सकता है, लेकिन ये टाइम कम हो सकता है अगर आप ऐसे कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं जो कि शहर से पास रह सकते हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज है, एमिनिटीज हैं जो कि काउंटर पार्ट उनके जो बगल के शहर में है उनके पास है, जैसे इंटरनेट एक्सेस, ठीक है, या मार्केट एक्सेस। हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं कि जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज ये बनाई गई हैं, तो ऐसा होता है कि शहर की जो पॉलिटिकल बाउंड्री एंड हो रही है उसी के लगे हुए एक गांव है जहां से रूरल पार्ट स्टार्ट होता है, तो ये काफी पास है। सो बेसिकली इट्स सेट ऑन द आउटस्कर्ट्स, और ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत आसान होता है। जैसा कि आप अगर एक्सपीरियंस किए होंगे तो दिल्ली के आसपास के गांव में होता है, विच इज नाउडेज कॉल्ड एज नेशनल कैपिटल रीजन, जैसे ओखला वाला रीजन हुआ, तो ये हमेशा से दिल्ली के पास रहा। मैक्सिमम चीजों का एक्सेस इनको वैसा ही था जैसे पुरानी दिल्ली के लोगों को था। तो यहाँ पे वो चेंज, जैसे रियल एस्टेट का चेंज हुआ या किसी भी चीज तरह का चेंज हुआ जो कि कम्युनिटी के अंदर हुआ, वो काफी फास्ट हुआ। लेकिन यही अगर किसी इंटीरियर गांव में होता जहां सपोज किसी प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन हो रहा है, तो वो चीज करने में बहुत टाइम लगेगा, इतना आसानी से लैंड एक्विजिशन वहां नहीं होगा। तो किस तरह का मेरा पर्पस है, हम सोशल पर्पस ले रहे हैं, इकोनॉमिकल पर्पस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं,
साथ में किस तरह के रीजन में जाके काम कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि मेरा टाइम कैसा है। इट्स अ वेरी डायनामिक प्रोसेस, सो इट्स नॉट स्पेसिफाइड विद इन अ टाइम लिमिट एंड रादर इट शुड नॉट बी स्पेसिफाइड इन अ टाइम लिमिट। आपका ग्रुप अगर इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं करता है, दो ग्रुप्स अलग अलग गांव के एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और आप उनको बोलिएगा कि आप अपने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करके एफिशिएंटली काम करो, देन यू वुड बी रशिंग थ्रू थिंग्स। सो इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग दोज बिहेवियर्स एंड अकॉर्डिंगली डिसाइडिंग द टाइमलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेज। आगे बढ़ते हैं क्रिटिकल लर्निंग फेज में। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जो पहले से सीखे हुए हैं उसमें फिर से बदलाव होगा। जैसे खाता अकाउंट्स मेंटेन कैसे करना है, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। आप एक बार मीडियम चुन रहे थे कॉपी में नोट करने का, खाता में नोट करने का, एक बार मीडियम आप चुन रहे हैं कंप्यूटर में करने का। सो यू नीड टू रीलर्न कंप्यूटर स्किल्स बट यू डोंट नीड टू लर्न अकाउंटिंग स्किल्स, क्योंकि कंसेप्ट्स वही रहेंगे। फिर इन कंसेप्ट्स के ऊपर अलग अलग रीजनिंग डेवलप होगी, वो क्वेश्चन करेंगे, चीजों को समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर से उनको डाउट्स होगा, फिर से क्लियर करेंगे। धीरे धीरे कंसेप्चुअल रीजनिंग उनकी क्लियर होगी, और जब ये क्लियर होना स्टार्ट होगा तो वो आइडियाज भी अपना देंगे, अपना ओपिनियन भी देंगे। जब ओपिनियन भी देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एक दूसरे को वो समझने लगेंगे, दो गांव के दो अलग अलग ग्रुप एक दूसरे को समझने लगेंगे और वो इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको ऐसा भी बिहेवियर दिखेगा कि वो लोग एक दूसरे में बात करने लगे हैं, हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो आपके जो ये बिहेवियरल पार्ट आपको जो नोटिस करना है, ये सिर्फ उस टाइम नहीं करना है जिस समय क्लस्टर को लेके मीटिंग्स हो रही हैं, चर्चा हो रही है, उससे पहले भी या उसके बाद भी, उसके बाहर भी आपको ऑब्जर्व करना है। एंड ग्रेजुअली एक फाइनल ग्रुप तैयार होने लगेगा जिसको एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल सपोर्ट होगा, रेस्पेक्ट होगा। इस स्टेज में पहुंचने के बाद टीम जो है कंसेप्ट आ जाएगा, ग्रुप जो है टीम की तरह काम करेगा, हर कोई अपना पर्पस नहीं खोजेगा, एक टीम का जो पर्पस है उसके डायरेक्शन में काम करेगा, उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, नए सिस्टम्स बार बार आएंगे बिजनेस के अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से, और जो सिस्टम्स हैं नए भी इंट्रोड्यूस होंगे, जो पहले से हैं उसमें एवोल्यूशन भी आएगा। और ग्रेजुअली क्या होगा, एक इतना मैच्योर स्टेज आएगा कि जब वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरी प्रोफेशनल बाउंड्री क्या है और सोशल बाउंड्री क्या है। एग्जाम्पल, हो सकता है एक गांव के का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में अलग अलग कास्ट के लोग हैं, सोशल डिफरेंसेस उनके अंदर है, पर एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो ही ग्रुप, हो सकता है वो सोशल डिफरेंसेस को जब बिजनेस का काम चल रहा है उसमें ना लाए, तो ये मैच्योर स्टेज वो पहुंचने को कहते हैं जहां पे द ग्रुप इज एबल टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन अ सोशल एंड प्रोफेशनल बाउंड्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर इन टर्म्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल। सो वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, हम कुछ उदाहरण लेंगे जिनसे समझेंगे कि ऐसी कौन सी खूबियां रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगपति हैं या बनने वाले हैं उनमें होनी चाहिए, और
ये कैसे उनकी दिनचर्या से जुड़ी हुई है. देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ग्रेजुअली लर्न देम इन आवर फॉलोइंग मॉड्यूल्स. आई होप देर आर नो मोर क्वेश्चंस एंड यू लाइक दिस सेशन. आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर प्रमोट कीजिए. स्वाधीन के तरफ से आप सभी सुरक्षित रहें अपने घर में, आपका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे. थैंक यू. Thank you.